मैं अभिषेक कुमार, पंचायत शिक्षक बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी अनुमंडल सह प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम चौक जुड़पुरा में विगत 8 वर्षों से शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 94 बच्चे हैं और 2 शिक्षक हैं। विद्यालय ग्रामीण परिवेश में अवस्थित है जहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। समस्तीपुर जिला की स्थापना 14 नवंबर 1972 ईस्वी को हुआ था और इसे मिथिला का द्वार भी कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष समस्तीपुर जिले की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समस्तीपुर दरभंगा परमंडल के अंतर्गत आते हैं जहां का मिथिला पेंटिंग विश्व स्तर पर विख्यात है। समस्तीपुर जिला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समस्तीपुर जिला की अमित छाप है जहां पूसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि विश्व स्तर पर विश्वविख्यात है। कभी विद्यापति स्थल पर बाबा भोलेनाथ का विशाल मंदिर जहां श्रावण महीनों में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं और कभी विद्यापति के नाम से विद्यापति धाम रेलवे स्टेशन भी है। मोरवा प्रखंड अंतर्गत खुदनेश्वर मंदिर जहां एक ही छत के नीचे मजार व बाबा भोलेनाथ का विशाल मंदिर है जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। पटोरी अनुमंडल अंतर्गत ऐतिहासिक धरोहर अंग्रेज द्वारा बनाया गया अंडरग्राउंड 52 कोठी और सुरंग है और यहाँ नील की खेती होती थी और नील बनाने का नाद जो करीब 2 कट्ठा में बना है। पटोरी अनुमंडल के बगल में पवित्र गंगा नदी भी बहती है। रामनवमी के शुभ अवसर पर मनाए जाने वाले निषादों का मेला कहलाता है जिसे राष्ट्रीय मेला का दर्जा भी प्राप्त है जो पटोरी अनुमंडल अंतर्गत सिवरा ग्राम व दरवा ग्राम में अवस्थित है। श्री अरविंदो सोसाइटी व HDFC बैंक के तत्वाधान में संचालित कार्यक्रम ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि कैसे बिना खर्च के ऐसे नवाचार किया जा सकता है जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के तरीके में सुधार कर नई दिशा दे सकते हैं। अनुवादात्मक शिक्षण से बच्चे को कैसे जोड़ सकते हैं। किसी भी विषय की गतिविधि करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे को गतिविधि में शामिल करूं और इस गतिविधि को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे प्रशिक्षक श्री सुमन सौरभ सर ने बहुत मदद की और बताया भी। शिक्षण कार्य के लिए नए नए तकनीक भी बताएं जो श्री सुमन सौरभ सर ने बताया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैं अपने विद्यालय में बच्चे को गतिविधि व रोल प्ले के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है जो बच्चे ग्रहण करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं हो। मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल बनाना चाहूँगा। मैं अरविंद सोसाइटी व HDFC बैंक को के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण
प्रशिक्षण ZIII के प्रशिक्षक श्री सुमन सौरभ को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ZIII के द्वारा इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजन किया जो बेहतरीन कार्यक्रम है और शिक्षकों के लिए भी यह प्रशिक्षण पथ प्रदर्शक का काम करता है। इस वेबिनार के माध्यम से जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया वह ज्ञानवर्धक है। वर्ग कक्ष प्रारंभ होने पर विद्यालय में इसका उपयोग करके व गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करने के लिए बच्चों को उत्साहित करेंगे, जो बच्चों को करने में आनंद आएगा। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी व HDFC बैंक व प्रशिक्षक श्री सुमन सौरभ सर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रशिक्षण से, जो हम सभी शिक्षकों को लाभ मिले और उसको अपने बच्चों के सामने उतारे। धन्यवाद।